आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का। एक्सरसाइज नंबर है 4.8। देखिए, एक्सरसाइज नंबर 4.8 में हम क्वेश्चन देखने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये हमारा इंटीग्रेशन का थर्ड मेथड है। सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड हमने देखा था बाय सब्स्टिट्यूशन, फिर इसके बाद बाय पार्ट, और इसके बाद वाला पार्ट है बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो भाई अभी हम आज 4.8 में हम बाय पार्ट पे बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी बाय पार्ट का क्या मतलब है? बाय पार्ट मतलब देखिए, दो फंक्शन दिया हुआ है, ओके, और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। मतलब यू एक फंक्शन है इनटू वी एक फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर यू और वी दो अलग अलग फंक्शन हैं और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, तो हम उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? जैसे हमने डेरिवेटिव में यू इनटू वी का रूल अप्लाई किया था, वैसे ही हमारे पास इंटीग्रेशन में यू इनटू वी का रूल है, उसे हम बोलते हैं बाय पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए यू इंटू वी का रूल क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारा यू टर्म क्या है, वी टर्म क्या है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया यू और वी, उसे हम यू और वी के फॉर्म में अरेंज कर लेंगे और फिर हम यू इंटू वी का रूल अप्लाई कर देंगे। यू क्या है, यू इंटू वी का रूल क्या है, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। जिसके सामने जो साइन है वो वही करना। जैसे इसके सामने इंटीग्रेशन है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पर यू के सामने कुछ भी नहीं तो उसको एज इट इज़ कॉपी करना है। ठीक है, देखिए डेरिवेटिव में हमें यू किसको लेना है, वी किसको लेना है, ये कोई फिक्स नहीं था। लेकिन अभी इंटीग्रेशन जब आप करोगे, दो फंक्शन दिख रहा है, उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो आपको समझना है कि क्वेश्चन उसे हमें बाय पार्ट से सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन हम यू किसे लेंगे, वी किसे लेंगे, तो आपके पास ये रूल है एल आई ए टी ई। एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ, वहाँ पर हमें लॉग दिखेगा, लॉग एक्स है, लॉग एक्स स्क्वायर है। ठीक है, लॉग दिखा तो वो हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी इनवर्स, आई मतलब इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन में हमें क्या दिखेगा, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये हमारे इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, ए मतलब अल्जेब्रिक फंक्शन। अभी अल्जेब्रिक फंक्शन क्या हुआ, कोई कांस्टेंट नंबर है, एक्स है, थ्री एक्स है, थ्री एक्स स्क्वायर है, या फिर एक्स प्लस वन है, ये क्या है, हमारा अल्जेब्रिक फंक्शन है। ओके, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें पता है साइन है, टेन है, सेक स्क्वायर है, सेक है, कॉस है, बहुत सारे है। साइन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये इनवर्स फंक्शन में आते हैं, साइन टेन कॉस सेक, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है। और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल मतलब क्या होता है, ई रेस टू एक्स या फिर ए रेस टू एक्स, ए मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, ई रेस टू एक्स। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पांच फंक्शन होंगे। ओके, तो पांच फंक्शन में से जो पहले आएगा वो हमारा यू होगा, जो बाद में आएगा वो हमारा वी होगा। जैसे अभी देखिए यहाँ पर ई रेस टू एक्स दिया हुआ है और एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ई रेस टू एक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्स क्या है, अल्जेब्रिक फंक्शन। तो पहले कौन सा टर्म आ रहा है, ए आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है, एक्सपोनेंशियल टर्म आ रहा है, तो ये हमारा यू हो जाएगा, ये हमारा वी हो जाएगा। सपोज अभी टेन एक्स दिया हुआ है और फिर लॉग एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो पहले कौन आ रहा है, एल आ रहा है, फिर बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, तो ये हमारा यू हो जाएगा, ये वी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये पहले हम क्वेश्चन दिया रहेगा, दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो आपको समझना है कि ये बाय बाय पार्ट से करना है। तो बाय पार्ट में से हमें पहले उसे यू इंटू वी के फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा ये लॉग एक्स को पहले लेना पड़ेगा, साइन एक्स को हम बाद में ले लेंगे, तो ये हमारा यू हो जाएगा, ये हमारा वी हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर भी ये एक्स पहले आ जाएगा, ये हमारा बाद में आ जाएगा, यू हो गया, ये वी हो गया। तो पहले हमने यू इंटू वी आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है, हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
ओके स्टूडेंट, तो देखिए आज हम इस पर बेस्ड एग्जांपल लेने वाले हैं। अभी ये वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, ये हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के सारे एग्जांपल हम ये वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, और जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उसके हमने वीडियो ऑलरेडी दूसरे वीडियो में देखा हुआ है वो क्वेश्चंस को, जिसका मैं लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे एग्जांपल देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इवैल्यूएट द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो उसके हम एग्जांपल नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शन है, एक एक्स है और एक लॉग एक्स है, ठीक है। तो एक्स हमारा क्या हो गया, लॉग अल्जेब्रिक फंक्शन है, और लॉग एक्स क्या है, हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है। तो अभी हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन दिख रहा है, तो अभी हमें पता है कि हमें बाय पार्ट से इसे करना है, ठीक है। तो बाय पार्ट में हमने देखा कि क्या यूज़ करना है, हमें रूल यूज़ करना है, पहले यू इंटू वी का रूल यूज़ करना है। तो यू इंटू वी का रूल यूज़ करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन से टर्म को हम यू लेंगे, कौन से टर्म को हम वी लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा अल्जेब्रिक फंक्शन है, ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो हमारा रूल क्या है, लिएट का, एल आई ए टी ई, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, अल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो पहले क्या आ रहा है, लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है, फिर बाद में अल्जेब्रिक फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा यू हो जाएगा, ये हमारा टर्म वी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसे यू इंटू वी के फॉर्म में अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यू इंटू वी के फॉर्म में पहले इसे अरेंज कर लिया। डेरिवेटिव में हमें ऐसा नहीं होता था, किसी भी टर्म को हम यू ले सकते थे, किसी भी टर्म को हम वी ले सकते थे, लेकिन हमें इसे यू लेना है और इसे वी लेना है। ये हमें कैसे पता चलेगा, लिएट के रूल से पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा लॉग पहले आ रहा था, इसलिए हमने उसको यू लिया, फिर बाद में अल्जेब्रिक फंक्शन आया था, इसलिए हमने इसे वी लिया। ओके स्टूडेंट, तो अभी यू इंटू वी का रूल क्या है, इंटीग्रेशन का यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू डी एक्स। ओके, तो मतलब क्या है, देखिए पहले ये रूल में पुट करते हैं, यू मतलब लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी मतलब एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। ओके स्टूडेंट्स, ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। अभी जिसके आगे इंटीग्रेशन का साइन है उसको इंटीग्रेट करेंगे, जिसके आगे डेरिवेटिव का साइन है उसको डेरिवेटिव निकालेंगे, और जिसके आगे कुछ भी नहीं उसको एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। मतलब ये देखिए लॉग एक्स को एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस ये होल इंटीग्रेशन है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव निकालना है इंटू वन अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों का फॉर्मूला साथ में है, तो आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए आप प्लीज़ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के जो सारे फॉर्मूले हैं रोज उसको कंपलसरी लिख लिख के अलग से याद करिए तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये टर्म कैंसिल हो गया, क्या बच गया, लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ पर टू बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी मुझे एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, ये वन बाई टू कॉन्स्टेंट है वो बाहर चला जाएगा, यहाँ पर हम अरेंज करके लिख लेते हैं, यहाँ पे वन बाई टू हमने बाहर ले लिया, एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, सारे टर्म का इंटीग्रेशन हो गया, तो हम एंड में प्लस सी यूज़ कर लेंगे। ओके, तो एक लास्ट स्टेप और लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, व्हाट इज़ अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर टू क्या है, यहाँ पर आई इज इक्वल टू वॉट, एक्स इंटू टू माइनस टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन दिख रहे हैं, एक क्या क्या दिख रहा है, ए एक्स है और ए टू रेस टू माइनस टू एक्स है, ये अल्जेब्रिक फंक्शन है और ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो देखिए अल्जेब्रिक फंक्शन, ये एक्स हमारा अल्जेब्रिक फंक्शन है, टू रेस टू माइनस टू एक्स ये हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एल आई ए टी ई, पहले अल्जेब्रिक फंक्शन है मतलब एक्स, फिर बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है माइनस दिस,
ये हमारा यू क्या रहेगा, एक्स रहेगा, फिर ये वी रहेगा, ऑलरेडी ये अरेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर यू इन टू वी का रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यू इन टू वी का रूल हमें पता है क्या होता है, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ वी इन टू डेरेवेटिव ऑफ यू, ठीक है। तो ये हमारा रूल है, यहाँ पर हम रूल अप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ वी डेरिवेटिव ऑफ यू। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए एक्स को एज इट इज कॉपी करेंगे, ए रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए रेस टू एक्स बाय लॉग ए, ठीक है, प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए एक्स क्या है, दिस टर्म इज एक्स, टू एक्स को हमने एक्स कंसिडर किया, तो टू रेस टू एक्स इन अपॉन लॉग ए, ए क्या है टू, लेकिन यहाँ पर देखिए एक्स के साथ क्या है, ये माइनस टू दिख रहा है, तो इन टू वन बाई माइनस टू, कम इंटीग्रेशन ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, प्लीज़ आप ध्यान रखने का, नहीं तो यहाँ रखेंगे नहीं तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा आपका। होल इंटीग्रेशन पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये जैसे हमने यहाँ पर देखा वैसे होगा, टू रेस टू माइनस टू एक्स अपॉन लॉग टू इंटू वन अपॉन माइनस टू, ओके, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, तो ये डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए तो यहाँ पर हम अरेंज कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू टू रेस टू माइनस टू एक्स बाय माइनस टू लॉग टू, ओके, ये माइनस का साइन हम बाहर ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन बाय टू कॉन्स्टेंट है उसे बाहर ले लिया, लॉग टू भी कॉन्स्टेंट टर्म है उसे भी आपको बाहर लिखना होगा, तो लॉग टू वेरिएबल नहीं है उसके साथ वो बाहर ले लीजिए, इंटू वन अपॉन लॉग टू, अंदर क्या बच गया, टू रेस टू माइनस टू एक्स। तो अभी हम इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ये एक्स इंटू टू माइनस टू एक्स माइनस टू लॉग टू प्लस वन बाई टू लॉग टू इंटू टू रेस टू टू एक्स अपॉन लॉग टू इंटू वन अपॉन माइनस टू, सबका इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पे आप प्लस सी लिख देंगे, ये माइनस टू ये वन बाई टू के साथ मल्टीप्लाई होकर वन बाई फोर हो जाएगा। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इंटू टू माइनस टू एक्स अपॉन माइनस टू लॉग टू प्लस माइनस माइनस वन बाई फोर लॉग टू इंटू टू रेस टू माइनस टू एक्स बाय, ओके, तो ये टर्म हमारा हो जाएगा लॉग टू लॉग टू लॉग टू लॉग स्क्वायर लिख देते हैं, ओके, प्लस सी। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा आंसर मिल गया, हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर थ्री, आई इज इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स। तो यहाँ पर देखिए दो कौन कौन से फंक्शन है, यहाँ पर एक्स है और ये साइन है, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, एक्स क्या है अलजेब्रिक फंक्शन, साइन क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल आई ए टी ई। तो पहले क्या आता है अलजेब्रिक फंक्शन, फिर उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये हमारा यू हो जाएगा, ये हमारा वी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम यू इन टू वी का रूल अप्लाई करते हैं, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, ऑलरेडी हमने दो एग्जांपल में फॉर्मूला देख लिया है, लेकिन आप हर एग्जांपल में फॉर्मूला ज़रूर लिखिएगा ताकि आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, यू क्या है एक्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम यू इंटू वी का रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो जिसके आगे इंटीग्रेशन का साइन है उसको इंटीग्रेट करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, लेकिन यहाँ पर देखिए टू एक्स को एक्स कंसिडर करेंगे, इसका मतलब इंटू वन बाई टू करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने वो टॉपिक नहीं किया है तो प्लीज़ आप जाके करिए, उसको अच्छे से समझिए, ओके, तो फिर आपको ये पार्ट ईजी हो जाएगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, होल इंटीग्रेशन का ब्रैकेट साइन ऐसे रखते हैं, तो यहाँ पर माइनस कॉस टू एक्स इंटू वन बाई टू और एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम माइनस का साइन आगे लेंगे तो टू कॉन्स्टेंट हमें आगे ले लेते हैं, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस माइनस प्लस
वन बाय टू कॉस टू एक्स डी एक्स। ओके यहाँ पर देखिए कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू कॉस, सॉरी ये टू एक्स है, टू एक्स बाय टू प्लस वन बाय टू कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन टू एक्स इंटू वन बाय टू प्लस सी, सबका इंटीग्रेशन हो गया, ऐसे एंड में हमने प्लस सी लिख दिया। इसे हम अरेंज कर लेते हैं, माइनस एक्स कॉस टू एक्स बाय टू, वन बाय टू इंटू वन बाय टू, वन बाय फोर साइन टू एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, व्हाट इज अवर नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर फोर, आई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स टी एक्स। ओके तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, ये एक्स और कॉट, ये अल्जेब्रिक फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर एल आई ए टी ई, टी पे बाद में आ रहा है, फिर ये यू है, अल्जेब्रिक फंक्शन एक्स है यू, और ये कॉट स्क्वायर बाद में आ रहा है इसलिए वो वी। लेकिन देखिए अभी हमें वी का जब इंटीग्रेशन निकालना होगा तो हमारे पास कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, तो पहले हम इसे क्या करते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक फार्मूला है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, देयरफोर कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम ये फार्मूला अप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, हमने क्या कर दिया, कॉट स्क्वायर एक्स की यहाँ पे लिख दिया, कैसे आ गया, ये ट्रिग्नो के फॉर्मूले की हेल्प से आ गया। ओके ओके स्टूडेंट्स, अभी इसे पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, फिर वन के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो अभी देखिए दोनों को अलग अलग कर देते हैं, दिस टर्म एंड दिस टर्म, तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए यू टू वी का रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ये हमारा अल्जेब्रिक फंक्शन है, फिर ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पहले अल्जेब्रिक फंक्शन आता है फिर बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, तो इसलिए हमारा ये यू हो जाएगा, ये वी हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स का हम इंटीग्रेशन निकाल सके उसको हम सेपरेट ही रखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर यू टू वी का रूल अप्लाई करेंगे, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी, यहाँ पर हम कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। ओके माइनस फुल इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू एक्स। ओके और फिर बाद में ये एक्स का इंटीग्रेशन, जिसके आगे इंटीग्रेशन का साइन है उसको इंटीग्रेट करेंगे, जिसके आगे डेरिवेटिव का साइन है उसको डेरिवेटिव निकालेंगे, और जिसके आगे कुछ भी नहीं है उसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए एक्स को एज इट इज कॉपी किया, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट होता है, यहाँ पर हमने माइनस कॉट एक्स लिख लिया, और माइनस कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स लिख दिया, एक्स का डेरिवेटिव वन। ठीक है, और यहाँ पर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू, हम प्लस सी नहीं लिखते हैं अभी, इसका इंटीग्रेशन निकालना बाकी है, एंड में ही प्लस सी लिखते हैं। ओके तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे तो भी चलेगा। ओके यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कॉट एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉट का डिग्री एक्स, और ये एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन निकालना बाकी है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले अच्छे से याद नहीं होंगे तो आप इंटीग्रेशन को नहीं कर पाओगे, तो प्लीज़ पहले आप इंटीग्रेशन के सारे जो भी फॉर्मूले हैं उसको लिख कर याद करने की कोशिश करिए, ताकि सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो जाए तो ही आप इसे इजीली कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, व्हाट इज़ अवर नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर फोर फिफ्थ, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन देखिए सेम है जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा, तो यहाँ पर भी पहले ये साइन स्क्वायर को हम स्प्लिट कर देंगे, तो देखिए हमारे पास ऐसे फार्मूला अप्लाई करेंगे ताकि हम उसका इंटीग्रेशन निकाल सकें, तो हम ये देखिए हमारे पास एक फार्मूला है कॉस टू एक्स
इज इक्वल्स टू टू साइन स्क्वायर एक्स होता है, देयरफोर वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो अभी हम साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे पहले ये पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखिए एक्स इंटू वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू मिल गया, इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे मतलब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये एक्स इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा और फिर डिनोमिनेटर में टू दोनों की जाएगा, मतलब ये एक्स बाई टू मिलेगा और ये माइनस एक्स इंटू कॉस टू एक्स बाई टू मिलेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए वन बाई टू कॉन्स्टेंट है, उसे हमने बाहर लिख लिया। सेम ऐसे यहाँ पर भी वन बाई टू कॉन्स्टेंट है, उसे हमने बाहर लिख लिया एक्स इंटू कॉस टू एक्स। यहाँ पर एक्स का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए बाई पार्ट यू इंटू वी का रूल अप्लाई करेंगे। ये अल्जेब्रिक फंक्शन है, ये हमारा यू हो जाएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये हमारा वी हो जाएगा। कैसे, एल आई ए टी ई, एक्सपोनेंशियल अल्जेब्रिक फंक्शन एक्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस टू एक्स है, पहले क्या आ रहा है एक्स आ रहा है, इसलिए वो यू हो जाएगा, ये वी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हम यू इंटू वी का रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस के साइन में प्रॉब्लम हो सकता है। ये वन बाई टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू माइनस वन बाई टू कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर लिया। यहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ वी कॉस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू क्या है, एक्स है, ये होल ब्रैकेट, दिस इज होल ब्रैकेट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर बाई फोर माइनस वन बाई टू, एक्स एज इट इज़ कॉपी करेंगे कॉस एक्स, इसे हमने एक्स कंसिडर किया। इंटीग्रेशन ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टू एक्स इंटू वन बाई टू। ओके, यहाँ पर वन बाई टू ध्यान दीजिएगा क्योंकि एक्स के साथ टू है इसीलिए, माइनस सेम यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है साइन टू एक्स इंटू वन बाई टू, इंटीग्रेशन ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन निकालना बाकी है, ये टू कॉन्स्टेंट इसे हमें बाहर लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर बाई फोर माइनस वन बाई टू एक्स इंटू साइन टू एक्स बाई टू माइनस वन बाई टू साइन टू एक्स। यहाँ पर हम साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई फोर माइनस वन बाई टू एक्स इंटू साइन टू एक्स अपॉन टू माइनस वन बाई टू। साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टू एक्स इंटू वन बाई टू, सबके इंटीग्रेशन हो गए प्लस सी। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, माइनस वन बाई टू ये एक्स इंटू साइन टू एक्स अपॉन टू, ये माइनस माइनस प्लस, ये वन बाई टू वन बाई टू वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर कॉस टू एक्स। बाहर देखिए ब्रैकेट आप ओपन करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, अगर आपने ब्रैकेट ओपन किया वन बाई टू इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा तो वन बाई फोर हो जाएगा, वन बाई टू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वन बाई एट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई फोर माइनस एक्स साइन टू एक्स बाय फोर प्लस माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस टू एक्स बाय एट प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, व्हाट इज आवर नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। तो क्या है, आई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन टू एक्स इंटू साइन फाइव एक्स। ओके, अभी आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अरे ये तो तीन टर्म दिख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। ओके, तो मैंने क्या बोला, दो अलग अलग फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन सॉरी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स है, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको सिंप्लीफाई करना होगा आपको। ठीक है, तो देखिए ये अगर आपके पास ट्रिग्नो का फॉर्मूला होगा तो देखेंगे टू साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल्स टू व्हाट, टू साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल्स टू व्हाट, कॉस दिस माइनस कॉस
ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिग्नो का फॉर्मूला है, हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसको सिंपलीफाई करेंगे। लेकिन हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें 2 से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम 2 डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर साइन 2x इंटू साइन 5x बन गया। ओके, तो अभी हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो 2 साइन 2x इंटू साइन 5x, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x 5x, तो ये प्लस 7x हो जाएगा और प्लस कॉस 2x माइनस 5 माइनस 3x हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, माइनस कॉस 7x कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है, ये क्या हो जाएगा कॉस 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या मिल गया, देखिए ये 1/2 आपको चाहिए कांस्टेंट है, आप उसे बाहर लिख सकते हैं, तो ये 1/2 को हमने बाहर लिख लिया। ये इसके पे क्या हो जाएगा माइनस का साइन हम बाद में लिख लेते हैं, 3x माइनस कॉस 7x लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने डायरेक्टली नोट कर लिया है, ठीक है, तो ये हमारा मिल गया। अभी हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा या फिर x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/2 कॉन्स्टेंट है, आप उसे बाहर रखिए, तो x इंटू कॉस 3x माइनस x इंटू कॉस 7x मिल गया। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, दोनों को 1/2 बाहर रखना है तो बाहर रखिए, साथ में रखना है तो साथ में रखिए। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/2 एक्स कॉस 3x माइनस 1/2 एक्स कॉस 7x, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों पार्ट में हमें u इंटू v का रूल अप्लाई करना पड़ेगा, दिस इज़ u, दिस इज़ v, दिस इज़ u, दिस इज़ v, एक्स अल्जेब्रिक फंक्शन है, कॉस हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पर हम दोनों जगह पर u इंटू v का रूल अप्लाई करेंगे, तो देखिए ध्यान से अप्लाई करिएगा, एक्स इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब कॉस 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है। तो ये हमने इसका इंटीग्रेशन निकाल लिया, अभी हम इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, 1/2 यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू, मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ x dx। ओके, तो देखिए ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, तो पहले हम ये ब्रैकेट दिस ये ब्रैकेट को कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, 1/2 कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, ये हमें मिल जाएगा साइन 3x इंटू 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। ये पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, होल इंटीग्रेशन का साइन ऐसे ही रखते हैं, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 3x इंटू 1/3 और यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है, तो उसे हमने नहीं लिखा। यहाँ पर 1/2 एक्स कॉस का इंटीग्रेशन साइन 7x इंटू 1/7 माइनस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, होल कॉस का इंटीग्रेशन साइन 7x इंटू 1/7 एक्स का डेरिवेटिव 1, उसे हमने नहीं नोट किया, ठीक है। तो अभी हम फिर से अरेंज कर लेते हैं, जिसका इंटीग्रेशन निकालना बाकी उसको निकालेंगे, यहाँ पर इसका निकालना बाकी, यहाँ पर इसका निकालना बाकी। तो पहले हम क्या कर देते हैं, एक्स इंटू साइन 3x बाई 3, ये 1/3 को कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लिया, साइन 3x, ओके ब्रैकेट माइनस 1/2, यहाँ पर भी देखिए एक्स साइन 7x बाई 7, यहाँ पर 1/7 को बाहर ले लिया, साइन 7x का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, तो वन स्टेप और करना पड़ेगा हमें, माइनस कॉस एक्स इंटू ये 1/3 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, माइनस 1/2
एक्स इंटू साइन सेवन एक्स बाई सेवन माइनस वन बाई सेवन, ये माइनस कॉस सेवन एक्स इंटू वन बाई सेवन, ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज कर लिया हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, x इंटू साइन थ्री एक्स बाई थ्री माइनस माइनस प्लस वन बाई नाइन कॉस थ्री एक्स माइनस वन बाई टू, एक्स इंटू साइन सेवन एक्स बाई सेवन माइनस माइनस प्लस वन फोर्टी नाइन, सॉरी फोर्टी नाइन ना, फोर्टी नाइन इंटू कॉस सेवन एक्स। ठीक है, प्लस सी, सबका इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पर ही प्लस लिख दीजिए। ठीक है, तो अभी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा हमारा स्टेप, ये हो जाएगा एक्स इंटू साइन थ्री एक्स बाय सिक्स, थ्री इंटू टू सिक्स, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थ्री एक्स बाय थ्री, नाइन टू ज़ा एटीन, माइनस सेवन टू ज़ा फोर्टीन, और ये माइनस इंटू माइनस फोर्टी नाइन इंटू टू क्या हो जाएगा नाइन्टी एट, नाइन्टी एट, और ये कॉस सेवन एक्स प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, अगर कोई टर्म कैंसिल होता रहेगा तो हम ज़रूर कैंसिल करेंगे, यहाँ पे कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसे हम कैंसिल नहीं करेंगे, एज इट इज़ छोड़ देंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने एग्जांपल क्वेश्चन नंबर वन के सारे एग्जांपल देखे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड के हम एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आई एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल चेंज होगी। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, अल्जेब्रिक फंक्शन है, ये क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एल आई ए टी ई, तो एक्सपोनेंशियल पहले लास्ट में आ रहा है और ये अल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, तो यहाँ पर ये यू हो गया, ये वी हो गया। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम यू इंटू वी का रूल अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस होल इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डेरेवेटिव ऑफ यू, तो यहाँ पर हमने यू इंटू वी के रूल में अप्लाई कर दिया, तो जिसके आगे डेरिवेटिव का साइन है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। देखिए ई रेस टू एक्स थ्री एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई रेस टू थ्री एक्स इंटू वन बाई थ्री इंटीग्रेशन ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, ई रेस टू थ्री एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू थ्री एक्स इंटू वन बाई थ्री, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स। ठीक है, तो जिसके आगे डेरिवेटिव था उसका डेरिवेटिव निकाल लिया, जिसके आगे इंटीग्रेशन था उसको इंटीग्रेट कर लिया, जिसके आगे कुछ भी नहीं था उसको एज इट इज़ कॉपी कर लिया। यहाँ पर देखिए टू बाई थ्री कॉन्स्टेंट है, उसे हमने बाहर ले लिया, तो क्या बच गया, x बच गया, ई रेस टू थ्री बच गया। अरे देखिए यहाँ पर फिर से u इंटू वी के फॉर्म में दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें फिर से u इंटू वी का रूल अप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम u इंटू वी का रूल अप्लाई करेंगे तो ध्यान से करिएगा, ये हम ये हमारा u है हमारा v है, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस होल इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू इरेस टू थ्री एक्स बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री, एक्स इरेस टू थ्री एक्स इंटू वन बाई थ्री हो जाएगा, और यहाँ पर भी इरेस टू थ्री एक्स इंटू वन बाई थ्री हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा। ठीक है, वो हमने लिखा नहीं, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू इरेस टू थ्री एक्स बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री इरेस टू थ्री एक्स बाई थ्री, ये वन बाई थ्री को हमने कांस्टेंट था उसे बाहर ले लिया, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू थ्री एक्स इंटू वन बाई थ्री, सबके इंटीग्रेशन हो गए, हम प्लस में लास्ट में प्लस सी लिख देंगे। ओके, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू थ्री एक्स बाई थ्री, ये टू बाई थ्री इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो टू बाय नाइन हो जाएगा, एक्स इंटू ई रेस टू थ्री एक्स, ये टू बाई थ्री इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देखिए टू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, यहाँ पर थ्री ऑलरेडी नाइन है तो ये थ्री क्या हो जाएगा ट्वेंटी सेवन, टू बाई ट्वेंटी सेवन ई रेस टू थ्री एक्स, सबका इंटीग्रेशन हो गया, ये प्लस सी। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने एग्जांपल देखा, ये सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, व्हाट इज अवर सेकेंड एग्जांपल, देखिए आई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, तो एल आई ए टी ई लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आ रहा है फिर अल्जेब्रिक फंक्शन आ रहा है, तो ये यू हो जाएगा ये वी हो जाएगा, तो यहाँ पर हम यू टू वी का रूल अप्लाई करेंगे, ये u है ये v है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मतलब log x। ठीक है,
तो जिसके आगे इंटीग्रेशन का साइन है उसको इंटीग्रेट करेंगे, जिसके आगे डेरिवेटिव का साइन है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, और जिसके आगे कुछ भी नहीं उसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 4/4 लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो ये एक्स ये केस के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एक्स रेज टू 4 लॉग एक्स बाई 4 माइनस 1/4 कॉन्स्टेंट उसके बाहर ले लिया, क्या बच गया अंदर, एक्स क्यूब बच गया। एक्स और ये एक्स रेज टू 4 में से एक कैंसिल हो गया। यहाँ पे लास्ट स्टेप एक्स रेज टू 3 का इंटीग्रेशन निकाल देंगे, तो एक्स रेज टू 4 लॉग एक्स अपॉन 4 माइनस फिर से देखिए 1/4 इंटू एक्स रेज टू 4/4 प्लस सी, ठीक है। लास्ट स्टेप हम एक और लिख देंगे, ये हमें क्या मिल जाएगा, एक्स रेज टू 4 इंटू लॉग एक्स बाई 4 माइनस एक्स रेज टू 4/60 प्लस सी, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर मिल गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए क्या है, i² = x² × sin x, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा अल्जेब्रिक फंक्शन है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, LIATE अल्जेब्रिक फंक्शन, x² ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन x। तो ये हमारा x² u हो जाएगा, ये हमारा v हो जाएगा। तो क्या हमारा लिख लेते हैं, u इंटू वी का रूल अप्लाई करते हैं, u इंटीग्रेशन ऑफ v इन माइनस फुल इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमें क्या मिल जाएगा, x² साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पहले, माइनस कॉस एक्स, x² का डेरिवेटिव 2x हो गया। तो यहाँ पर देखिए दो फंक्शन फिर से बच गए हैं, तो पहले से अरेंज कर लेते हैं, माइनस x² इंटू कॉस एक्स, माइनस का साइन बाहर आ गया, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिए, तो अंदर क्या बच गया, एक्स इंटू कॉस एक्स। तो एक्स अल्जेब्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, u इंटू वी। तो यहाँ पर हमें फिर से u इंटू वी का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मतलब x। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, x² इंटू कॉस एक्स प्लस ब्रैकेट कॉस का इंटीग्रेशन साइन x होता है, माइनस यहाँ पे साइन x हो जाएगा और यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, नहीं लिख रहे हम यहाँ पर, लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए ये साइन का इंटीग्रेशन निकालना बाकी है, माइनस x² इंटू कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स, ये साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, सबका इंटीग्रेशन हो गया, हम एंड में प्लस ही लिख देंगे। अभी थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट कर देते हैं, माइनस x² इंटू कॉस एक्स, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x साइन एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2 कॉस एक्स हो जाएगा प्लस सी। ओके स्टूडेंट, तो देखिए हमारा ये आंसर हो गया। ओके, कोई टर्म कैंसिल वगैरह नहीं हुआ तो यहाँ पर रुक जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ये आज हमने एक्सरसाइज नंबर 4.8 इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 4.8 एक्सरसाइज नंबर 4.8 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के हमने सारे एग्जांपल देखे। ओके स्टूडेंट्स, जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो हमने दूसरे वीडियो में देख रहे हैं, जिसका लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ओके स्टूडेंट, प्लीज़ अगर आपको कंटिन्यू करना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को फॉलो करिए और बचे हुए एग्जाम्पल को आप सॉल्व कर सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स वीडियो के एंड में एक ज़रूर कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कुछ क्वेरी है या फिर आपको कुछ सजेशन है तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको ये मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए। ओके स्टूडेंट्स, मैंने ट्राई किया, मैं 12th का जो भी सिलेबस है वो सारे एग्जांपल को मैं सॉल्व करके दूँ, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर फॉलो करिए, तो आपको जो भी सारे एक्सरसाइज है मैथ्स 1 और 2 के सब मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।